शाह फैसल मस्जिद। ये लफ्ज़ मैंने बचपन में किसी किताब में पढ़ा था। उस किताब में ये भी लिखा था कि कैसे ये मस्जिद दुनिया की पांचवी बड़ी मस्जिद है। इसके चार मीनार हैं, हर मीनार की ऊंचाई इतनी है, और दूसरी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको किसी भी मज़मून के बारे में मिल जाती है। उस मज़मून में एक फ़िक्रा था कि ये अज़ीमुश्शान मस्जिद मारगला की पहाड़ियों के दामन में वाक़ है, लेकिन उस वक्त ना तो मारगला का पता था और ना ही किसी दामन का। खैर, फास्ट फॉरवर्ड टू 2020, जब मेरा एरिड में एडमिशन हुआ तो अपने फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ फ्रेंड्स फॉरएवर के साथ फैसल मस्जिद जाने का प्लान बनाया। अब जबकि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग जो है फैसल मस्जिद का भी बनाया जाए। सो लेट्स गो। तो जी आ गए हम फैसल मस्जिद, और यार आज इतना रश है इधर, अभी एंटर होने लगे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रश है। ये देखें, हालांकि आज वेडनेसडे है, इतना रश नहीं होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा है। और खैर, अपने रखवाते हैं जूते वगैरह, फिर अंदर चलते हैं। तो जूते हमने उधर रखवा दिए हैं वहाँ पे, और अभी ऊपर चलते हैं। हालांकि यहाँ से क्लोज़ है लेकिन हम उधर से व्यू लेना चाह रहे हैं। 6 बज गए हैं लेकिन अभी भी ये जो सी टाइल्स हैं या मार्बल है अभी काफ़ी गर्म है। और ये रहा जी मारगला और उसका दामन। अभी व्लॉगिंग छोड़ के मैं और मानी जो सा शॉर्ट्स बनाने लग गए, 10-15 मिनट 20 मिनट इधर लगा दिए, फिर याद आया कि भाई हम तो व्लॉगिंग करने आए हुए हैं। तो खैर, और आज ना मस्जिद की एंट्रेंस खुली हुई है। मैं पहले जब भी आया हूँ, क्योंकि ज़्यादा मोस्टली रात को ही आते थे तो नहीं खुली होती थी, तो अभी देखते हैं खुली हुई है तो ये तो सबसे अच्छी बात है जी। बदकिस्मती से मस्जिद का जो अंदरूनी हिस्सा है, एंट्रेंस है, वो बंद है। और लेकिन शीशे के करीब जाके देखते हैं, मैं भी अंदर लाइट्स वगैरह ऑन हूँ, यहाँ पे कुछ नमाजी नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे व्लॉग बनाने के बाद। कुछ नज़र आ रहा है, हाँ, मस्जिद के अंदर जो सा हॉल है उसके अंदर एंट्री का तो मिशन जो है हमारा फेल हो गया। और लेकिन अभी ये दूसरी साइड पे आए हैं, इसके पीछे वाली साइड पे। पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था, यहाँ की थी, अब पता नहीं वीडियो न्यू थी या पुरानी थी कोई, लेकिन थी गर्मियों की, कि यहाँ पे हमारे कुछ शाहीन इकबाल के नहा धो रहे हैं घर, बेशक मुँह भी ना धोएं लेकिन इधर आके नहाते हैं। तो अभी हम आ गए हैं इसकी बैक साइड पे, और यहाँ पे एक रोड सा इन्होंने बनाया हुआ है, इधर से ट्रेल 6 भी निकलता है आई थिंक। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं ना इसके डिज़ाइन के बारे में पढ़ रहा था तो लिखा हुआ था कि जो इसका डिज़ाइन है ना शाह फैसल मस्जिद का, वो इंस्पायर है। आपने देखा होगा कि जो बदू कबाइल होते हैं अरब के, जब सहरा में वो पड़ाव डालते हैं तो अपने खेमे लगाते हैं ना, तो सेम उन्हीं खेमों की तरह जो है इसका डिज़ाइन उन्हीं से इंस्पायर किया गया है। और लाइट्स भी ऑन हो गई हैं, इसका गुंबद नहीं है। तो कई लोगों ने इस क्रिटिसाइज़ भी किया कि क्योंकि आम तौर पर ट्रेडिशनली हम देखा जाए तो हमारी जो मस्जिद होती हैं वहाँ पे यही होता है कि गुंबद एक इस्लामी आर्किटेक्चर का जो सा होता है नमूना कह लें जिस तरह होता है, लेकिन फैसल मस्जिद में वो चीज़ नहीं थी, गुंबद नहीं है, मेहराब आर्चिस वगैरह जो सी होती हैं वो नहीं है। तो इस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ। डेट वॉज ऑल, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किस्मत देखिए, जब हम वापस आने लगे तो मगरिब की अजान शुरू हो गई, मस्जिद के अंदरूनी दरवाज़े खुल गए और हम भी अंदर चले गए।